हमने कोविड के दौरान दस्तूर गार्डन प्रशासन को क्वारंटाइन के लिए 3 माह के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया था। साथ ही दस्तूर गार्डन द्वारा सामाजिक एवं गैर सामाजिक संस्थाओं को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया गया था। हमारे एसोसिएशन के साथियों ने और प्रशासन ने मिलकर करीब इंदौर के 40-45 गार्डनों को सिलेक्ट किया था, उनको कोविड सेंटर बनाया गया था। कोविड के दौरान हमारा जो स्टाफ लगा रहता था 24 आवर्स के लिए निःशुल्क सेवाएँ पर उनको प्रोवाइड करता था, वो पूरी सेवाएँ निःशुल्क दी गई सभी गार्डनों के द्वारा। इसका करीब करीब यदि सभी गार्डनों का इंदौर में देखा जाए, कैलकुलेशन किया जाए, तो 10 से 15 करोड़ तरीके 1500 रुपये रूम के हिसाब से भी पर डे का कैलकुलेशन किया जाए तो कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए करीब का एसोसिएशन ने किया। इसमें करीब 40 गार्डन और 20 होटल करीब शामिल थे। 60 गार्डनों को 3 माह के लिए बिल्कुल निःशुल्क प्रदान किया। इवन अभी हमारा लाइट का जो बिल भी आता है वो भी हमारे द्वारा ही वहन किया गया। लाइट का बिल इस दौरान 10 से 15 लाख का गार्डन की ओर से दिया गया, प्रशासन के द्वारा कोई हेल्प नहीं दी गई। उनको बड़ा काफ़ी फील महसूस हुआ, विशेष करके चंदन नगर वगैरह जो निम्न वर्ग के लोग आए थे उनको जो VIP ट्रीटमेंट जैसे AC रूम वगैरह मिला, तो उनकी आखिरी में ठीक होने के बाद 14 दिन के बाद भी जाने की इच्छा नहीं हुई थी। काफ़ी उनको भी अच्छा लगा और उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। जितने ही जो पेशेंट थे पॉजिटिव तो काफ़ी अच्छा रहा था। सामाजिक सेवा से मैं माहिष्वी समाज इंदौर में मंत्री रह चुका हूँ, विभिन्न पद पर रह चुका हूँ, सोशल सामाजिक सेवा में लगा हूँ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से।